मंदसौर जिले के कयामपुर में बजरंग दल व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कमलनाथ सरकार ने गौमाता के संबंध में कई बड़े बड़े फैसले लिए थे, लेकिन आम चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ सरकार अब किए हुए वादे भूल गए। साथ में हिंदू संगठन ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान की राज्य सरकार द्वारा गो तस्करी, गो हत्यारों को बढ़ावा देने के लिए गो रक्षकों को गो सेवकों के विरुद्ध कूटनीतिक कार्यवाही करने के कुचक्र के अंतर्गत गौ रक्षा अधिनियम 2004 में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब कोई भी गौ सेवक गौ रक्षक गाय को बचा नहीं पाएगा। वही गौ तस्कर, गौ हत्यारे खुलेआम गायों की तस्करी कर सकेंगे। गाय को बचाने का अधिकार गौ रक्षकों, गौ सेवकों के पास नहीं होगा। यह अधिनियम पूर्णतः गौ तस्कर और गौ हत्यारों के सहयोग करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में भी बजरंग दल द्वारा आज कयामपुर पर महामहिम राज्यपाल के नाम तहसील टप्पा कयामपुर में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, ताकि यह कानून बनना निरस्त हो जाए, एवं साथ ही कुछ मांग भी की गई। न्यूज़ इंडिया एनआईएन से संजय सिंह डांगी की रिपोर्ट।